हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन गैस एक्सचेंज सिस्टम के बारे में। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह ताज़ी हवा में सांस लेने में कितना सुकून महसूस होता है ना? क्या आप उसके बारे में जानते हैं कि हमारे ऑर्गन्स में कौन सा फंक्शन हो रहा है जो हम सांस ले पा रहे हैं और सांस छोड़ पा रहे हैं? इसी के बारे में आज हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग एयर इनटू द बॉडी फ्रॉम विच वी गेट ऑक्सीजन। क्या आपको पता है जो सांस को अंदर लेने का फंक्शन है वो एक सिस्टम के थ्रू होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन होता है एयर को इनहेल करना। एयर को हम अपनी नोज़ के थ्रू हम अपनी बॉडी में इनहेल करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं, और वो हमारी बॉडी में जाने के बाद उसी एयर में से ऑक्सीजन को हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं एयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसमें से ऑक्सीजन को ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो ये प्रोसेस सुनने में बहुत ही ईजी लगती है, लेकिन इसमें बहुत ही छोटे छोटे फंक्शंस होते हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वीडियो में। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसी के थ्रू हम एयर को, हवा को अंदर अपनी बॉडी में ले पाते हैं और उससे हम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे ऑर्गन से वेस्ट के रूप में निकलती है उसको हम बाहर छोड़ पाते हैं, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। ये हमने प्लांट वाले चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन सवाल ये आता है कि एयर में से हम ऑक्सीजन को ही कैसे ले पाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ही कैसे रिलीज़ कर पाते हैं। तो चलिए इस जर्नी को भी शुरू करते हैं, ब्रीदिंग की जर्नी को। पहले हम सांस लेते हैं अपनी नोज़ के थ्रू। जो एयर होती है वो हमारी नोज़ के थ्रू इनहेल होती है हमारी बॉडी। नोज़ के बाद ऑर्गन आता है नेजल कैविटी। नोज से अंदर जाते ही एयर नेजल कैविटी में एंटर करती है। उसके बाद ओरल कैविटी, फेरिंग्स और लैरिंग्स के थ्रू होती हुई एयर आगे मूव ऑन करती है। लैरिंग्स के बाद एयर एंटर करती है ट्रैकिया में, और ट्रैकिया के बाद एयर एंटर करती है प्राइमरी ब्रोंकाई में। हमारी बॉडी में टू प्राइमरी ब्रोंकाइज होती हैं। तो पहले आपको बताते हैं ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया एक कार्टिलेज की रिंग्स के बनी होती है। एक स्ट्रक्चर होता है जो बहुत सारी कार्टिलेज की रिंग्स को ज्वाइन करके बनता है, इसी को हम ट्रैकिया बोलते हैं। ईच ब्रोंकाई देन ब्रांचेस मैनी टाइम्स इंटू ब्रोंकियोल्स। जो दोनों हमारी ब्रोंकाई होती हैं वो आगे जिस तरीके से प्लांट्स की शाखाएं बढ़ जाती हैं उसी तरीके से हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई बहुत सारी ब्रोंकियोल्स में बढ़ जाती है। ब्रोंकियोल प्राइमरी ब्रोंकाई का स्मॉल वर्जन है। उसके बाद में ब्रोंकियोल्स जो होती हैं वो एयर को फिल करती हैं एक छोटे से शेक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। एल्वियोलाई वही ऑर्गन है जहाँ पर हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रोसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब इसी एल्वियोलाई के थ्रू हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है हमारी बॉडी से और ऑक्सीजन को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इसी प्रोसेस को डिफ्यूज़न बोला जाता है। द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन द एक्सचेंज ऑफ दीज गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। यही हमने अभी पढ़ा है। अब सवाल ये आता है कि डिफ्यूज़न होता किस तरीके से है, कैसे अकर होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी में वेस्ट गैस है वो क्या करती है, ब्लड से रिलीज़ की जाती है। किस ऑर्गन के थ्रू? एल्वियोलाई के थ्रू। एल्वियोलाई एक तरीके से जाली की एक पतली लेयर की तरह काम करता है जिसमें से हवा पास हो सकती है, उसी तरीके से इसमें गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। जैसे हम बोलें कि हमने अपनी विंडो पर एक पतली जाली वाली लेयर लगा दी है ताकि वहाँ से हवा तो पास हो सके लेकिन कोई भी कीड़े मकोड़े ना आ सकें, उसी तरीके से ये एक थिन लेयर की बनी हुई होती है हमारी एल्वियोलाई।
इसके थ्रू इसकी जो लेयर होती काफ़ी पतली होती है, जिसकी वजह से हमारी गैसेस जो हैं ब्लड में से इसके आर पार आ जा सकती हैं। इसी प्रोसेस को डिफ्यूज़न बोला जाता है। जैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहले एयर के थ्रू एब्जॉर्ब की जाएगी और वो एब्जॉर्ब होने के बाद उसकी वॉल से पास आउट होकर कहाँ मिक्सअप हो जाएगी, हमारी ब्लड में, और ब्लड में जाने के बाद ये हमारी पूरी बॉडी में मूव करेगी। उसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी बॉडी का वेस्ट गैस, उसको डिफ्यूज़न के थ्रू एल्वियोलाइज क्या करती हैं, रिलीज़ कर देती हैं। हम एक बार इनहेल करते हैं, एक बार एक्सहेल करते हैं, तो एक्सहेल जब करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, और जब हम इनहेल करते हैं तो उसमें से एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर जो हमारी मेन गैस होती है ऑक्सीजन, उसको हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि एल्वियोलाई ने गैसियस एक्सचेंज को कैसे अडॉप्ट किया, तो इसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। पहली बात तो इसकी जो सरफेस होती है वो मॉइस्ट होती है, तो मॉइस्ट होने की वजह से ये गैसेस को डिसॉल्व करने में इजी रहता है। इसके बाद इसकी जो वॉल होती है वो सिर्फ वन सेल की लेयर होती है, तो काफ़ी पतली होती है, जिसकी वजह से डिफ्यूज़न का प्रोसेस बहुत ही ईजीली हो जाता है। और उसके बाद ये जो है एल्वियोलाई बहुत सारे छोटी छोटी हमारी ब्लड की जो कैपिलरीज होती हैं उनसे कनेक्टेड होती है, तो इससे होता क्या है कि ये आसानी से ब्लड में अपनी ऑक्सीजन को पहुंचा पाती है और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकती है बाहर रिलीज़ करने के लिए। और क्योंकि ये छोटे छोटे एल्वियोलाई जो होती है छोटे छोटे होल्स की तरह से हमें शो होते हैं, तो इस होल की तरह से डोम शेप होता है इनका, तो इसकी वजह से इनके पास लार्ज सरफेस एरिया रहता है। किस प्रोसेस के लिए? डिफ्यूज़न के लिए, गैसेस एक्सचेंज के लिए इनको काफ़ी सारा स्पेस मिल जाता है अंदर। यही कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से एल्वियोलाई ने एडप्ट किया है। कौन सा नेचर? गैसेस एक्सचेंज का नेचर। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोग एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जब आप लोग एक्सरसाइज करते हो तो आपकी ब्रीदिंग रेट में क्या डिफरेंस आता है, जब नॉर्मल आप सांस ले रहे हो और एक्सरसाइज के टाइम पे जब आप सांस लेते हो तो उन दोनों कंडीशंस में क्या डिफरेंस रहता है, कभी आपने नोटिस किया है? अगर अभी तक नहीं किया है तो एक बार एक्सरसाइज करना और नोटिस करना कि आपकी ब्रीदिंग रेट में क्या डिफरेंस आया है। तो चलिए दोबारा से एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है। द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम मूव्स फ्रेश एयर इनटू द बॉडी व्हाइल रिमूविंग वेस्ट गैसेस। इसका मतलब ये था कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ किया। ये गैसियस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई वेल एडप्ट हैं किस प्रोसेस के लिए? डिफ्यूज़न के लिए। डिफ्यूज़न क्यों हो पाता है एल्वियोलाई में? क्योंकि हमारी एल्वियोलाई की जो वॉल है वो काफ़ी थिन है, जिससे एयर का एक्सचेंज इजीली हो पाता है, और ये सरफेस मॉइस्ट रहती है। मॉइस्ट रहने की वजह से गैसियस को उसमें मिक्सअप होने में इजी रहता है, और लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं एल्वियोलाई फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न। तो मैं अब आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको चांस मिलता एल्वियोलाई को डिज़ाइन करने का, तो आप क्या क्या चेंजेस करते, इसके बारे में सोचिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।